मित्र मंडली, बात कुछ ऐसी है। अपने प्रशांत भैया जो हैं अपने के जीएफ सलार के रचियता, उन्होंने बुलाई एक मीटिंग जहां पर आए हुए थे प्रभास। एंड यस भाई, कुछ भी पता नहीं चला भाई, पिछवाड़े का सारा जो लगा ले पता ही नहीं चला मीटिंग में आखिर हुआ क्या। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 10-15 दिन मीटिंग के बाद पता चली है कि व्हाई देयर वाज अ मीटिंग, कारण क्या था, क्यों मिले थे तीन लोग। तो जनता चले आइए जानते हैं भाई। हर इंसान अपनी खोपड़ी चला ले रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है सलार में ऐसे आ जाएंगे, KGF चैप्टर 3 में ऐसे आ जाएंगे प्रभास। मतलब कि लोग जितना, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बात बताता हूँ, ज्ञान खोदने में जो हम हैं वो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत के। तो हाँ, अब बात करते हैं तो मीटिंग का सिलसिला क्या था। सो हम सब सोच रहे हैं कि भाई साहब जो यस हैं ही'ल बी पार्ट ऑफ सलार, बट सुनने में ये आ रहा है कि जब आप सलार देखने जाएंगे तो वहाँ पर आप ग्लिम्स KGF 3 के भी देखेंगे। भाई प्रशांत नील का मन है जब बंदे सलार देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक हल्का सा वाइब उनको KGF 3 का भी टच करे, ताकि उसकी हाइप और ज़्यादा बन जाए, सलार की हाइप और ज़्यादा बन जाए कि सलार में KGF 3 की एक ग्लिम्स है। तो उसके लिए अलग से शूट किया जा रहा है अपने यस भाई के साथ। तो हाँ, ये तो है ही, दिस तो कन्फर्म कि यस इज इन सलार, बट वेरी फ्यू पीपल नो दिस थिंग कि यार ऐसा भी है कि एक हल्का सा ग्लिम्स देखने को मिलेगा KGF 3 का। भाई ऐसा चांटा पड़ेगा ना फैंस को। भाई देखिए, प्रभास वन ऑफ माय फेवरेट्स, अब आफ्टर बाहुबली ना मज़ा नहीं आया, ना साहो देखने मज़ा आया, ना देखने में मज़ा आया, राधे श्याम तो हो, और अब क्या ही बात करें हम आपके आदि पुरुष की। अब सलार से थोड़ी उम्मीदें हैं, उसके बाद उम्मीदें हैं प्रोजेक्ट के से, देखते हैं क्या कैसे होता है। बाकी जनता आप टू ले मीनू थ्रू कमेंट आपकी राय। बाकी हाँ, बाकी आप एक्साइटेड हैं किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, सलार या फिर KGF 3? टू ले मीनू थ्रू कमेंट। बाकी मेरे नाम से जल्द, बाय बाय।